आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठ और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनका गठबंधन सनातन विरोधी है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व तो अप्रासंगिक हो गया है। कांग्रेस यहां जमीन खो चुकी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। तो अब ये झूठ के पकवान और झूठ की दुकान यहां नहीं चलेगी, यहां की जनता इन्हें जानती है। कोई गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और ये वो लोग हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ पड़े होने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जो सनातन को एड्स कह रहे हैं, जो वो लोग हैं। अरे मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे सनातन, ये सनातनी लोगों की भूमि है, ये सनातन पर काम करने वाले लोगों की भूमि है। ये 9.5 करोड़ सनातनी जनता ऐसे लोगों को जो हिंदू धर्म सनातन को एड्स कहते हैं, सनातन धर्म को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं, तो ऐसी कांग्रेस ऐसे इंडिया गठबंधन को इस मध्य प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने दिया जाएगा।